स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, रीजनिंग क्वेश्चंस के दूसरे सेगमेंट में आपका स्वागत है भाई। रीजनिंग क्वेश्चंस का बच्चों ये सेगमेंट आपका इसलिए मुझे बनाना पड़ा क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कुछ हमारे क्वेश्चन छूट रहे थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि भाई ये तो कंप्लीट रिवीजन की सीरीज़ है, क्योंकि इसके बाद तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमें उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से करना था। चलिए अगला रीजनिंग क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए हम करते हैं, ये है The Dipole Moment of, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को लिखते जाइए मेरे साथ, The Dipole Moment of Haloarine is less than Haloarine, ठीक है, is less than Cyclohexane, ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, द डायपोल मूवमेंट ऑफ हेलोएरीन। बच्चों हेलोएरीन तो जनरल नेम है ना, क्या हम हेलोएरीन की जगह क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं? लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो वही लिख लो भाई, थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है बच्चों आज के सेगमेंट का, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द डायपोल मूवमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेस देन साइक्लोहेक्सेन या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज लेस देन, इसको ऐसा कर लीजिए, इज लेस देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड कि भाई क्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मूवमेंट है वो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम क्यों होता है। चलिए आंसर देखते हैं बच्चों, सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए। चलो भाई तिवारी सर बनाते हैं, बिल्कुल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, क्या हो गया ये हो गया क्लोरोबेंजीन पहला वाला, दूसरा वाला है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। चलो भाई ये देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, है ना, ये किसका हो गया, ये हो गया साइक्लोहेक्साइल, है ना, डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लोहेक्साइल, ये हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, तो देखिए एक दो तीन, तीन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते, तो आप कहोगे तिवारी सर यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कौन सा कार्बन एटम है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, इसके बीच में एक हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, आप कहोगे कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे कार्बन एटम होता है, कोई दिक्कत। अगर मैं बच्चों इन दोनों में आपसे पूछूं कि भाई कार्बन एटम का sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ पर है, यहाँ पर कार्बन एटम का sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इन दोनों में किसके अंदर s कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है बताइए, हेलोएरीन में s कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है कि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में s कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर s 25% है और पी जो है 175% है, यानी यहाँ पर जो आपका एस कैरेक्टर है वो 25% आ रहा है, कम आ रहा है, क्योंकि एक ऐसे तीन पी है, 75 वाला पी आ रहा है, यहाँ पर आपका जो एस का कैरेक्टर है वो 15% आ रहा है, ज़्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एस कैरेक्टर किस में ज़्यादा है, तो आप बोलोगे तिवारी सर क्लोरोबेंजीन में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एस कैरेक्टर, एस ऑर्बिटल का यहाँ पर कैरेक्टर मोर है। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल का जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो लेस है। इससे क्या होगा बच्चों, जब मोर कैरेक्टर होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यहाँ पर जो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा होगी, यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो कम होगी। तो अगर यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने करीब खींचेगा, इधर खींचेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस तरफ खींचेगा। यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा, इसका मतलब यहाँ पर चार्ज डिफरेंस ज़्यादा है, ये यहाँ पे पोलरिटी ज़्यादा है, ये वाला जो है मोर पोलर होगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, यहाँ ज़्यादा निगेटिव आएगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये लेस पोलर होगा, कैसा होगा, लेस पोलर होगा। फिर से समझिए, एस कैरेक्टर ज़्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम आएगा, ये लेस पोलर होगा। यहाँ पर एस कैरेक्टर कम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी,
एस कैरेक्टर मोर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन मोर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन मोर, एस कैरेक्टर लेस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी। तिवारी सर उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि ये जो CCl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड जो है वो होगा लेस पोलर, कम पोलर होगा, लेस पोलर होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा, यानी हम ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेस होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की कम है तो वह इलेक्ट्रॉन को जाने देगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर। तो ये तो गई एक चीज़। अब मुझे बताइए इन दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में होता है, हेलोइरीन में होता है। तो एक चीज़ और है कि हेलोइरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। आपको देखिए मैंने बताया था वाई हेलोइरीन इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के कारण इसके बीच में डबल बॉन्ड आता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं, क्यों? डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो क्या होगा बताइए, डिस्टेंस कम हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बॉन्ड लंबा, डबल बॉन्ड कम छोटा, ट्रिपल और छोटा। तो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ लेस डिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, ठीक। अब अगर हम डायपोल मूवमेंट देखें तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो अगर आप हेलोइरीन में देखो तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी लेस है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेस और डिस्टेंस भी कम है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण कार्बन हाइड्रोजन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर ये दोनों कम है तो इसका डायपोल मोमेंट भी कम होगा, किसका, पहले वाले का। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले कंडीशन में क्या होगा, डायपोल मोमेंट लेस होगा। दूसरे वाले में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है चार्ज ज़्यादा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है, ये इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है, और सिंगल बॉन्ड है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा आ रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा आ रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दूसरी कंडीशन में क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा, मोर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मूवमेंट कम होगा और साइक्लोहेक्साइल का क्लोराइड का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, पहला वाला ये है, इसके अंदर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, कम पोलर होगा, डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यहाँ पर दो बातें हैं, हमें दो बातें पर रिस्ट्रिक्ट करना है, पहला लेस पोलर, दूसरा डबल बॉन्ड, यहाँ पर मोल पोलर, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। पहले वाले में चार्ज कम है, कार्बन हाइड्रोजन का डिस्टेंस कम है, दोनों कम है, डायपोल मूवमेंट कम होगा। दूसरे वाले में चार्ज ज़्यादा है क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या है, कम है, और डिस्टेंस भी इसका ज़्यादा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका डायपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, है ना। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो भाई बताइए, वैसे मेरे हिसाब से तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए पॉज करिएगा, इसके नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एल्काइल हैलाइड आर पोलर इन नेचर, पोलर समझते हो, उस पर चार्ज होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट इसके बावजूद इट इज इमिसिबल इन वाटर, ये पानी में घुलता नहीं है, इमिसिबल इन वाटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तिवारी सर। क्वेश्चन ये है कि भाई जो हमारा एल्काइल हैलाइड होता है ये पोलर नेचर का होता है
और इसके बावजूद जो है ये पानी में नहीं घुलता, ऐसा क्यों है? है ना, आंसर को अच्छे समझिएगा बच्चों। बच्चों देखिए, एल्किल हैलाइड आर पोलर इन नेचर, आरएक्स आरएक्स, पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ आता है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, जो फोर्सेस होती हैं जो इनको बांध के रखती हैं, उसको हम कहते हैं डाइपोल 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 इंटरेक्शन। भाई कोई अगर आपसे पूछे कि भाई जो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल हैं, एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल हैं, अगर ये पोलर हैं, अगर इन पे चार्ज है, पोलर मतलब चार्ज है, तो इनके अंदर कौन सी ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दोनों को आपस में बांध के रखती है, वो कौन सी फोर्स है जो इनको आपस में बांध के रखती है? तो बच्चों जो फोर्स है जो इनको आपस में बांध के रखती है उसका नाम क्या है बोलो? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वो जो फोर्स है जो इनको आपस में बांध के रखती है उसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। चलो दूसरा देखते हैं भाई, वाटर HOH, HOH, आपको मालूम है इसका नाम क्या है बच्चों? बताओ, वाटर। और ये तो बच्चे बता ही देंगे कि वाटर के अंदर कौन सी फोर्स है जो उनको बांध के रखती है। सर हम सबको मालूम है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में बांध के रखती है। इनको जो फोर्स बांध के रखती है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। पानी के मॉलिक्यूल को जो बांध के रखती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन वो फोर्स जो दोनों को बांध के अगर रखेगी, द फोर्स विच विल बाइंड बोथ द मॉलिक्यूल्स टुगेदर विल हैव हायर डिग्री ऑफ अट्रैक्शन, वो दोनों से स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इन दोनों को मिलाने वाली जो फोर्स है, अगर इन दोनों फोर्स से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स से और हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स से, अगर दोनों से स्ट्रांग होगी तब तो ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, लेकिन अगर वीक होगी तो क्या होगा? ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। तो ऐसा होता है कि जो नई फोर्स है जो इनको जोड़ के आपस में रखने वाली है वो इन दोनों फोर्सेस से वीक होती है, वीक होती है, इसलिए ये दोनों आपस में नहीं मिल पाते। तो हम ये लिख सकते हैं, सिंस द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द टू मॉलिक्यूल्स binds the two molecules, ठीक है, is less, कम होती है than the two forces, is less attractive than two forces। अब वो two forces कौन कौन सी हैं? Dipole dipole interaction और hydrogen bond। Therefore, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड इज नॉट मिसेबल इन वाटर, एल्किल हैलाइड इज नॉट मिसेबल या इमिसेबल इन वाटर, है ना, लेस पावरफुल होती है ना। ये जो फोर्स है, जो नई फोर्स है, वो लेस अट्रैक्टिव या लेस पावरफुल, आप अट्रैक्टिव की जगह पे बच्चों लेस पावरफुल भी लिख सकते हो। अगर वो इन दोनों से ज़्यादा पावरफुल होती तो दोनों को आपस में जोड़ देती, लेकिन भाई वो जो नई फोर्स है वो तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों से कम पावरफुल है, तो दोनों को जोड़ ही नहीं पाती, इसलिए क्या होता है, इसलिए ये दोनों आपस में मिल नहीं पाते। नोट कर लीजिए, जबकि उस पर चार्ज होता है। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, व्हाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाया जाता है? एनहाइड्रस कंडीशन मतलब जब इसका प्रिपरेशन किया जाता है तो वहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए, पूरा ड्राई होना चाहिए, उसका रीज़न क्या है? देखिए बच्चों, हम सबको मालूम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फार्मूला CH3MgBr, इसको दो नाम हो सकते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इसी को हम कह सकते हैं ग्रिगनार्ड
ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगर मान लीजिए कहीं पे पानी है तो इसकी पानी से रिएक्शन होती है, ये MgBr और ये OH, ये निकल जाता है CH3H, ये पानी है ना, सबको मालूम है कि ये वाटर है, तो MgBrOH निकल जाता है और CH3H, तो ये बन जाता है मीथेन प्लस ये हो गया मैग्नीशियम, एक जुड़ गया Br, एक जुड़ गया OH। तो अगर वहाँ पर पानी होगा तो वहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट तुरंत पानी से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, मीथेन। तो हम ये कह सकते हैं भाई कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मीथेन। जहाँ भी पानी होगा वहाँ ग्रिगनार्ड रिएजेंट पानी से रिएक्ट करके मीथेन बना लेगा। देयरफॉर ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। भाई हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट को बनाया और जैसे ही वहाँ पानी होगा ये पानी से रिएक्ट कर लेगा और ये मीथेन बना लेगा, एल्केन बना लेगा। तो टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन वी प्रिपेयर ग्रिगनार्ड रिएजेंट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो रिएक्शन नोट कर लीजिए बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। C6H5CH2Cl, एक ये है C6H5CH2Cl क्वेश्चन है, एंड C6H5CH Cl C6H5, ये दो कंपाउंड है ना, विच विल मोर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म पर बेस है। देख लीजिए, क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास दो कंपाउंड है, एक ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, एक ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। तो आप ये बताइए दोनों में से एक्वस KOH के द्वारा कौन इजीली जो है हाइड्रोलाइज होगा। अब देखो बच्चों, इसके दो आंसर हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई आपको SN1 मैकेनिज्म के थ्रू बताना है या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू बताना है। तो ये एक क्वेश्चन भी दो में टूट सकता था कि बाय SN विच विल बी मोर इजिली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH बाय SN1 मैकेनिज्म, या इसका अगला क्वेश्चन जो बनता कि विच विल बी इजिली हाइड्रोलाइज बाय एक्वस KOH बाय SN2 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों मैकेनिज्म से बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए पहले आप SN1 मैकेनिज्म देखेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी। जिस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्जल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो SN1 में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, 1 डिग्री की कम होती है, 2 डिग्री की उससे ज़्यादा होती है, 3 डिग्री की उससे ज़्यादा होती है। तो अगर हम SN1 की बात करें तो कम में ज़्यादा, जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो हाइड्रोलाइज होगा। तो SN1 मैकेनिज्म की अगर बात करें तो C6H5CH3Cl, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, इसका हाइड्रोलिसिस तेजी से होगा, और C6H5CH2Cl इसका हाइड्रोलिसिस कम तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि ये टूटने की जो 2 डिग्री हेलो एल्केन है, 2 डिग्री हेलो एल्केन है, और ये है 1 डिग्री हेलो एल्केन है, 1 डिग्री हेलो एल्केन है। अब ये जब 2 डिग्री हेलो एल्केन है तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा जो ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर ये अगर है तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा जो कम स्टेबल है, CH2 पॉजिटिव। तो अगर आप वन की देखो, आप तो सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, कम में ज़्यादा, ज़्यादा में कम। अगर आप SN1 मैकेनिज्म की बात करते हो तो यहाँ पर 2 डिग्री हेलो एल्केन जो है वो 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर आप SN2 की बात करते हो, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू देखते हो इसको, पेपर में अगर ये पूछे तो आप कोई भी एक बता दो या दोनों चाहे तो दोनों बता दो। SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है,
जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी SN2 में। तो यहाँ पे उल्टा है, देखो ज़्यादा है ना, ज़्यादा ज़्यादा में कम, SN2 में 1 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर बेस्ड है। यहाँ पे आप ये ले सकते हो, रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कहाँ पे? SN1 में। यहाँ पे आप ले सकते हो रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस। ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कम रिएक्टिव। तो यहाँ पर किसका हाइड्रोलिसिस पहले होगा? C6H5CH2Cl का हाइड्रोलिसिस पहले होगा, और C6H5CHCl का बाद में होगा। तो ये नोट कर लीजिए कि अगर डिपेंड करता है कि SN1 है या SN2 है। चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, और सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड इन अवर एग्जामिनेशन, और हमारे रिवीजन सीरीज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो सॉलिबिलिटी देन ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। वाई क्वेश्चन समझिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि डाइक्लोरो बेंजीन जो होता है वो हम तीन तरह से बना सकते हैं। देखिए पहले आंसर, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये भी हो गया क्लोरोबेंजीन, और ये भी हो गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। अगर मैंने यहां सीएल लगा दिया तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, अगर यहां सीएल लगा दिया हम इसे बोलेंगे मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, अगर यहाँ सीएल लगा दिया हम इसको बोलेंगे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, पैरा मेटा ऑर्थो। ये कह रहे हैं कि जो मेटा पैरा डाइक्लोरो बेंजीन होता है, ये होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इसकी सॉलिबिलिटी कम होती है। तो बच्चों ये जो पैरा डाइक्लोरो बेंजीन है, अगर मान लीजिए क्रिस्टल लेटिस है, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? पैराडाइक्लोरो मॉलिक्यूल जो होता है इसकी खास बात यह होती है कि सिमेट्रिक होता है। यदि हम काटें तो बराबर टुकड़े में आ जाएगा। सिमेट्रिक होने के कारण क्या होता है कि ये क्रिस्टल लेटिस के अंदर जाकर उसमें फंस जाता है, फिट हो जाता है, आराम से फिट हो जाता है। ठीक है, सिमेट्रिक होने के कारण। तो ड्यू टू सिमेट्रिक नेचर किसका भाई? ऑफ पैराडाइक्लोरोबेंजीन। पैराडाइक्लोरोबेंजीन का सिमेट्रिक नेचर होता है, इट फिट्स इन क्रिस्टल लेटिस। ये जो क्रिस्टल लेटिस होता है उसके अंदर फिट हो जाता है बाय स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके कारण ये आराम से फिट हो जाता है उसके अंदर, जिसके कारण इसको अलग करने के लिए मोर हीटिंग इज रिक्वायर्ड। उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हीटिंग चाहिए, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए ये आराम से सॉल्युबल नहीं होगा। पानी में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि इसको घोलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये सॉलिबिलिटी सबसे कम होती है, सॉरी, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो
तो अगर आप ऑर्डर देखें, अगर हम इसको वन मान लें, इसको टू मान लें, इसको थ्री मान लें, तो सबसे ज़्यादा जो है मेल्टिंग पॉइंट थ्री का होता है, उससे कम मेल्टिंग पॉइंट वन का होता है, और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट टू का होता है। यानी सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का, फिर उसके बाद आपका ऑर्थो का, और सबसे कम आपका मेटा का। नोट कर लीजिए, तो इसका आंसर ये होगा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ अ सिमेट्रिक नेचर, एंड ड्यू टू देयर सिमेट्रिक नेचर इट कम्प्लीटली फिट्स इन द क्रिस्टल लेटिस, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी मोर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, और इसकी सॉल्युबिलिटी लेस होती है। लेस मतलब जल्दी जब टूटेगा नहीं तो पानी में जल्दी घुलेगा नहीं। नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अरेंज द फॉलोइंग भाई कई बार पेपर में आया है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमें इसको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। क्या है भाई, पहला है क्लोरोमीथेन, फिर इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद है ब्रोमोमीथेन, लिख लीजिए। हमारा जो ऑर्डर है वो है क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, फिर इसके बाद डाई ब्रोमोमीथेन और फिर इसके बाद ब्रोमोफॉर्म। अब बच्चों इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। मीथेन का फार्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, CH4। अब इन्होंने क्लोरोमीथेन लिखा है, तो क्लोरोमीथेन का मतलब एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एक Cl लगा दीजिए, क्लोरोमीथेन। ब्रोमोमीथेन का क्या लिखोगे, CH3Br। डाइब्रोमोमीथेन में क्या करोगे, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, तो आप दो हाइड्रोजन हटा दीजिए, और दो हाइड्रोजन हटाने के बाद दो Cl लगा दीजिए, दो Br लगा दीजिए, और लास्ट वाला है ब्रोमोफॉर्म। तो ब्रोमोफॉर्म क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। अगर क्लोरोफॉर्म का फार्मूला बच्चों CHCl3 होता है तो ब्रोमोफॉर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CHBr3। क्लियर, चलिए अब देखते हैं भाई अब इनमें क्या अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे क्या है बच्चों, क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन, ठीक है, डाइब्रोमोमीथेन, अच्छा डाइब्रोमोमीथेन है मतलब यहां पर हम ब्रोमो दो लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें इन दोनों में कि जितना ज्यादा बड़ा हेलोजन है उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहां भी क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ब्रोमीन का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज छोटा है। अब इन दोनों में देख लो भाई, जितने ज्यादा हेलोजन होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। यहां पे दो हेलोजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यहां पे तीन हेलोजन है इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें कि बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3Cl का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3Br का, उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH2Br2 का, क्योंकि डाइब्रोमोमीथेन है, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CHBr3 का। तो बच्चों दो बातें नोट करिए इसमें, नंबर वन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम, विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम,
विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम. और एक चीज और नोट करिए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार दिमाग में जाएगा तो करना बहुत आसान हो जाएगा. नोट डाउन. चलिए पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन उठाते हैं भाई, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, नोट करिए. क्लोरोप्रोपेन क्लोरोब्यूटेन, लिख लीजिए, नोट डाउन करिए. क्लोरोप्रोपेन क्लोरोब्यूटेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तीन है, क्लोरोप्रोपेन क्लोरोब्यूटेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड. किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बताइए बताइए भाई, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका ज़्यादा होगा. बच्चों देखो, जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन करो ना, एक बात हमेशा याद रखना, इनके स्ट्रक्चर बना लेना पहले, क्योंकि यदि आप इनके स्ट्रक्चर बना लोगे ना तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा. चलिए पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं. क्लोरोप्रोपेन 1 2 3 प्रोप, सीएल लगा दिया क्लोरोप्रोपेन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, 3 और 1 4 2 और 2 4 2 और 2 4 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूट, सीएल लगाया क्लोरो क्लोरोब्यूटेन सिंगल बॉन्ड, CH3 CH2 CH3 CH2. वेट अ मिनट, फिर से देखिए बच्चों, क्लोरोप्रोपेन 1 2 3 यहाँ सीएल लगाया CH3 H2 H2, क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4 सीएल क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा, ये पहला ये दूसरा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड CH3 CH3 CH Cl. अब बच्चों यहाँ दो बातें मैं आपको पहले लिख के बता रहा हूँ, सुनिएगा. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्ट्रेट कार्बन चेन. सीधी वाली चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा. दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग, विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग. ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेट चेन बढ़ेगी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा. बताइए, तीनों में ब्रांचिंग किसके पास है, ये है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड की ब्रांचिंग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. अब इसकी 3 की चेन है, इसकी 4 की चेन है, चेन बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसका मतलब इससे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा. तो हमारा आंसर ये हो जाएगा कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3 होल ट्वाइस CHCl, यानी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का 3 का. उससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तुम्हारा CH3 CH2 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 Cl का, इसको हम क्लोरोब्यूटेन कहते हैं. उल्टा हमने एरो बना दिया, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग सबसे कम इसका होगा, ठीक है, इज इट क्लियर. उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तुम्हारा, क्योंकि चेन बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, CH3 CH2 CH2 Cl का, क्लोरोप्रोपेन का. और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा क्लोरोब्यूटेन का, CH2 CH2 Cl. नोट कर लीजिए, ये बेंजीन है ना, ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन की या साइक्लो हेक्साइल ब्रोमाइड है ना, इसकी हम मैग्नीशियम से मैं रिएक्शन दे रहा हूँ. यहाँ क्या आपको ए दे रहा हूँ, ए का मैं आपको हाइड्रोलिसिस करवा देता हूँ, H2O से करवा देता हूँ, पी देता हूँ. अब बताएंगे इसको कंप्लीट करेंगे क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जी, चलिए बताइए, है ना, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बताइए. चलिए, ये BR है, MG है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो MG BR के बीच में सैंडविच हो जाता है और ये बना देता है MgBr, ये बना देता है साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये MG इनके बीच में फिट हो जाता है. अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं,
हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, ये देखिए यार रिंग नहीं है, उन्होंने रिंग दी ही नहीं है। MgBr का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी मिला के तोड़ना, तो H बोलो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, HOH होता है, तो ये निकल जाएगा MgBrOH निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बोलो, MgBrOH। बचा क्या H, ये H जुड़ के अंदर चला जाता है, तो ये H अंदर चला गया और ये बन गया, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर आपका ये वाला बन जाएगा और B का जो है स्ट्रक्चर जो है, ये रिंग नहीं आएगी जी, ये हो जाएगा। अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो जो A है आपका, ये A बन गया और ये B बन गया, A का नाम क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और B का नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो बच्चों इस यूनिट में जो हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स थी हमारी जो पहली यूनिट थी, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो हमें करने ही चाहिए, 100% करना चाहिए, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर दिए।